फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द पीस पैशन। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन या फिर एक यूट्यूब अपडेट में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उनके चैनल के नाम से। तो उनका जो चैनल का नाम था वो था बेस्ट हेल्प इन हिंदी। ये उनका चैनल का नाम था जो कि इस YouTube प्लेटफॉर्म से उनकी चैनल को डिलीट कर दी गई है। उस चैनल पे उनका जो सब्सक्राइबर थे, उनके जो सब्सक्राइबर उन्होंने कवर किए थे, 3 से 4 सालों की ये जर्नी थी। और उनकी जो सब्सक्राइबर, जो जितने सब्सक्राइबर थे वो थे 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर थे। आप सोच सकते हो वो किस लेवल का उन्होंने सक्सेस हासिल किया था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और ये भी है कि उनकी जो चैनल है ये अब डिलीट हो चुकी है, आपको ये यूट्यूब पे देखने नहीं मिलेंगी। जैसे कि उनका जो चैनल है वो डिलीट हो गया है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। और रीज़न बताना चाहूँगी, आप सब जो भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं उन सभी को पता है। उन सभी को क्या, हर एक चीज़ की, आप कोई भी चीज़ करते हो तो हर एक चीज़ की एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। तो इनकी जो चैनल थी उस टर्म्स एंड कंडीशन के बियॉन्ड जाके उन्होंने कुछ कर दिया, जिसके वजह से इनका जो चैनल है वो सस्पेंड हो गया है। अब मैं रीजन बता देती हूँ कि चैनल डिलीट होने के पीछे क्या रीजन था। सो चैनल सस्पेंड होने के रीजन मैं आपको बताना चाहूंगी इस वीडियो में। तो यूट्यूब का एक पॉलिसी है सेक्सुअल एंड न्यूडिटी, उन्होंने ये जो टॉपिक के ऊपर उन्होंने इस चीज को वॉयलेट कर दिया था, जिसकी वजह से इनका ये चैनल जो है डिलीट हो गया है। हालांकि उनका कहना ये भी है कि उनको किसी भी तरह का कंफर्मेशन मेल, कॉल या मैसेज वगैरह नहीं आया था, डायरेक्टली उनका चैनल डिलीट कर दिया गया है। आप सर्च करोगे अगर उनका जो नाम है मैंने आपको बताया, नहीं मिलेगा वो यूट्यूब पे आपको। सो गाइस, अगर आप यूट्यूब पे आते हो तो हमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, राइट? ऐसा नहीं है कि हम टर्म्स एंड कंडीशन बिना पढ़े ही हम यूट्यूब स्टार्ट कर देते हैं या कुछ भी करेंगे। वी नीड टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? और सबसे बुरी चीज़ ये है कि उनकी इनकम से ही उनकी फैमिली चलती थी। पूरा जो इनकम है उनका डिपेंड था, उनकी फैमिली जो है उनके इनकम पे डिपेंड थी। सो गाइज, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे आपका चैनल बंद हो जाए या सस्पेंड हो जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने अपने चैनल पे किसी भी तरह का फेस वैल्यू क्रिएट नहीं किया था। जो भी वो वीडियोस डालते थे, लाइक किसी ऐप का वो रिव्यूज देते थे या टेक्निकल चीज़ें बताते थे, तो उनमें किसी भी तरह का फेस वैल्यू का कोई भी वीडियो नहीं था उनका। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज़ आज नेगेटिव में होगी, क्योंकि अगर उन्होंने फेस वैल्यू क्रिएट होता तो डेफिनेटली उनको अपना नया चैनल स्टार्ट करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। सो गाइज, मुझे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार यूट्यूब पे अगर आप आते हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस देख लें, उसके बाद ही अपने वीडियोस या चैनल को आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि जो उनके साथ हुआ हम नहीं चाहते मेरे साथ या आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हो। सो प्लीज़ take care of your channel and the videos which you all are uploading. किसी भी तरह का negativity मत फैलाओ। अगर आप YouTube पे के platform है तो negativity is a very bad thing. Guys, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, best help in हिंदी ये channel के जो owner थे उनका ये भी कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ violate नहीं की है। So as per my knowledge या as per the information I have got from YouTube, मुझे ये केस जेन्युइन लगती है। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर का लिंक दे रही हूँ, खाली उस पर जाके आपको रीट्वीट करना है, ताकि यूट्यूबर्स के जो कंपनी है या पीपल है उस चीज़ को ज़रा देखें कि whether it has been correct or not। अगर ये गलत है तो प्लीज उनके जो चैनल को वो फिर से ओपन कर दे। इट्स अ हाई टाइम टू सपोर्ट, राइट? उन्हें इस समय सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है गाइस। सो अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, प्लीज वो ट्वीट करना ना भूलिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको।